कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार रैलियां कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ अपना हल्ला बोल अभियान जारी रखा है। शिमोगा में रैली के दौरान कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के सी और करप्शन के सी में कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता अब भी नोटबंदी के दर्द का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा करप्शन का टैंक भरने के लिए कांग्रेस ने राज्य में वसूली माफियाओं का एक नेटवर्क तैयार किया है और अगर सरकार चल गई तो उनका क्या होगा, इसकी भी कांग्रेस को चिंता है। उन्होंने कहा 2014 से पहले कोयला, हेलीकॉप्टर, कॉमनवेल्थ घोटाला, हर जगह घोटाले नजर आते थे और उनके पैसे से ही कांग्रेस के काले कारनामे चल रहे थे। प्रधानमंत्री ने पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए कहा वह कौन सी पार्टी है जो कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों को सपोर्ट करती है। कर्नाटक में सिमी और पीएफआई सहित अन्य हिंसक संगठनों को किसने आश्रय दिया। मुंबई में चर्चगेट और बोरीवली स्टेशनों के बीच शुरू हुई विश्व की पहली महिला विशेष ट्रेन ने 26 वर्ष का सफर पूरा कर लिया। पश्चिम रेलवे ने 5 मई 1992 को इस उपनगरीय ट्रेन की शुरुआत की थी। इन दो स्टेशनों के बीच चलने वाली यह ट्रेन केवल महिला सवारियों को ले जाती थी। शुरुआत में इसकी प्रतिदिन केवल 2 सेवाएं थी जो अब बढ़कर प्रतिदिन 8 हो गई है, 4 सुबह और 4 शाम। पश्चिम रेलवे के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र भाकर ने कहा महिला यात्रियों के लिए पूरी ट्रेन समर्पित करने का यह कदम इतिहास के पन्नों में दर्ज है और पश्चिम रेलवे ने दूसरे रेल मंडल के लिए इस मामले में एक नज़ीर पेश की है। उन्होंने कहा कई वर्षों तक एक पूरी ट्रेन महिला यात्रियों के लिए चलाना एक मील के पत्थर से कम नहीं है और इसने यकीनन करीब 10 लाख से अधिक मुंबई की महिलाओं को उनके घर से कार्यस्थल तक सुरक्षित जाने में मदद की है। राजनीतिक नेताओं के दलितों के घरों में खारा खाकर सुर्खियां बटोरने के बीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राजनीतिक वर्ग को पिछड़े समुदाय को कृपा दिखाने से बचना चाहिए और दलितों के घर पर नेताओं के खाना खाने से छुआछूत दूर नहीं होगी। पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा सही है जबकि अप्रिय घटनाओं की रिपोर्ट उनके काम पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। उन्होंने कहा आप किसी के घर पर भोज कर सकते हैं लेकिन आप उन पर कृपा नहीं बरसा सकते, जैसे भगवान राम ने शबरी के घर पर भोजन किया था, यह गलत है। हम राजनीति में लंबे अरसे से है और कई लोगों के घरों में भोजन किया है लेकिन किसी की जाति नहीं पूछी, उन पर दया दिखाना गलत है और यह सोचना कि दलित के साथ खाना खाने से छुआछूत खत्म हो जाएगी ये सही नहीं है। ग्राम स्वराज अभियान के समापन मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दूरस्थ अंचलों के बुजुर्गों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा दूरस्थ अंचलों में वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुजुर्गों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा, ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्हें वही पेंशन मिलेगी। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। ये मामला विधानसभा में भी प्रमुखता से उठा था। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, अब बुजुर्गों को बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिहार के महिला समूह देश में सबसे बेहतर और संगठित रूप से कार्य कर रही है। अब तक प्रदेश के 1,12,000 बिहार की महिला समूहों को आजीविका के लिए 1,480 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि गांवों में शासन की योजनाओं के प्रति काफी जागरूकता आई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आजीविका एवं कौशल विकास मेला का शुभारंभ भी किया। उन्होंने समारोह में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहार समूह की महिलाओं को सहायता राशि का चेक भी दिया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी विकास यात्रा पर सवाल उठाए हैं। जोगी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कहा विगत 14 वर्षों में विकास सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री और भाजपा के नेताओं को ही हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री को यह विकास यात्रा प्रदेश के भाजपा कार्यालय में ही मनानी चाहिए। उनका कहना था प्रदेश के निराश, हताश और दुखी आम आदमी ने अब ठान लिया है कि भाजपा सरकार को अब वनवास यात्रा पर भेजना है। प्रदेश सरकार ग्राम स्वराज यात्रा, लोक स्वराज यात्रा और अब विकास यात्रा निकालकर शासकीय धन का दुरुपयोग कर रही है। इन यात्राओं पर करोड़ों रुपए का व्यय किया जा रहा है। सभी विभागों को भीड़ इकट्ठे करने का टारगेट दिया जा रहा है, इसके चलते शासकीय कार्य बंद है। पूरा अमला सिर्फ इन यात्राओं को सफल बनाने में लगा हुआ है।
पीलिया से हो रही मौतों पर गृह एवं सहकारिता मंत्री रामसेवक पैकरा के बयान पर सियासत गर्मा गई है। मंत्री ने पीलिया से मौत पर कहा, हर दिन लोग मर रहे हैं, यह ईश्वरीय घटना है। भाजपा के दिग्गज आदिवासी नेता और प्रदेश के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जिले में प्रवास पर रहे। वे भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक चावलानी के घर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने कोरबा पहुँचे थे। कोरबा प्रवास के दौरान पैकरा भाजपा नेता देवेंद्र पांडे के निवास स्थान पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। तब पत्रकारों ने गृह मंत्री से राजधानी में बढ़ रहे पीलिया के संबंध में सवाल पूछा, तो उन्होंने पीलिया से हो रही मौत को स्वाभाविक मौत करार देते हुए कहा कि हर दिन लोग मर रहे हैं, यह ईश्वरीय घटना है, बीमारी से हुई मौत पर जांच की जाएगी। जवाब सुनने के बाद वहां मौजूद मीडिया कर्मी भी भौचक रह गए। अपने बयान को उल्टा पड़ता देख उन्होंने तत्काल यह भी कहा कि सरकार प्रयास कर रही है, उसकी कोशिश ये है कि सभी को समुचित स्वास्थ्य सेवा मुहैया हो। साथ ही पीलिया से हुई मौतों पर उन्होंने जांच की बात भी कही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 17 मई को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आएंगे। दो दिनों के प्रवास पर दिल्ली में हुई हाई प्रोफाइल बैठक में मुहर लगी। कांग्रेस अध्यक्ष पेंड्रा रोड में आम सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही देर शाम बिलासपुर पहुंचकर 24 विधानसभाओं के बूथ अध्यक्षों और संकल्प शिविरों में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। रात्रि विश्राम बिलासपुर में करने के बाद वे सरगुजा के सीतापुर में अपने रद्द हुए कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। उनके कार्यक्रमों की आधिकारिक सूचना पीसीसी को जल्द ही मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अप्रैल में ही छत्तीसगढ़ आने वाले थे, लेकिन कर्नाटक चुनाव में व्यस्तता के चलते उनका दौरा टल गया था। अब कर्नाटक चुनाव से समय मिलते ही सबसे पहले वे छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम की सहमति दी है। प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने की कवायद प्रारंभ हो गई है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव अजय सिंह दो दिनों तक प्रदेश के सभी 27 जिलों के जिला पंचायत सीईओ की क्लास लेने वाले हैं। राजधानी में होने वाली इस दो दिवसीय बैठक में जहां पंचायत विभाग के ACS RP मंडल शामिल होंगे, वहीं दूसरे दिन केंद्रीय संयुक्त सचिव भी बैठक में रहेंगे। बैठक में सभी 27 जिलों के जिला पंचायत सीईओ को बुलाया गया है। बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के संयुक्त सचिव विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे, जो आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में पेंडिंग पड़े विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न सिर्फ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, बल्कि तय वक्त तक उन कार्यों को पूरा करने का निर्देश भी जारी किया जाएगा। बैठक के पहले दिन मनरेगा के कामकाज और भुगतान को लेकर बैठक की शुरुआत होगी। उसके बाद रूर्बन मिशन, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना पर बैठक में समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में एकता की घुट्टी पिलाई है। पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत अन्य नेताओं से ढाई घंटे तक चुनावी रणनीति और कार्यक्रमों पर मंथन हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने सभी नेताओं को एक बार फिर साथ आकर सिर्फ चुनाव पर फोकस करने को कहा। उन्होंने सीएम उम्मीदवारी को लेकर भी साफ कर दिया है कि इसका फैसला बाद में होगा, अभी सिर्फ सरकार बनाने पर फोकस किया जाएगा। दिल्ली से लौटे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने चर्चा में कहा, कांग्रेस अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में सरकार बनने की सबसे अधिक संभावना देखते हैं, इसलिए उन्होंने सभी नेताओं को एकजुट होकर इस दिशा में काम करने कहा, ताकि सरकार बनाने की संभावनाएं और मजबूत हो। प्रदेश में डेढ़ माह से अधिक समय तक आंदोलन करने वाली बर्खास्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को वापस सेवा में लाने की कवायद शुरू हो गई है। रायपुर जिले की 182 बर्खास्त आंदोलनकारियों को अपर कलेक्टर ने नोटिस जारी कर 14 मई को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने 6 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी में डेढ़ माह तक आंदोलन किया था। इस दौरान शासन ने भी कड़ाई करते हुए सैकड़ों आंदोलनकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। बाद में शासन ने उनकी कुछ मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया, तब आंदोलनकारी पीछे हटे और अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। इसके बाद से वे बहाली का इंतजार कर रही थी। अब जाकर रायपुर जिले की बर्खास्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं को वापस सेवा में लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बर्खास्त सदस्य 14 मई को अपर कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रख सकेंगी, इसके बाद ही उनकी बहाली पर निर्णय लिया जाएगा।
जगदलपुर रायपुर सेक्टर में विमान का संचालन करने वाली एयरलाइंस कंपनी पहले उड़ान का ट्रायल करना चाहती है। संभवतः ट्रायल बेंस उड़ान इसी महीने से संचालित की जा सकती है। इस मामले में अंतिम निर्णय करने एयरलाइंस कंपनी और एयरपोर्ट प्रबंधन की बैठक होनी है। कंपनी ने जून में अपनी उड़ान के लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। जगदलपुर रायपुर के बीच अपने विमान का संचालन करने वाली एयर ओडिशा एयरलाइंस कंपनी अपनी नियमित उड़ान से पहले रायपुर जगदलपुर के बीच परीक्षण करना चाहती है और इसके लिए वह इसी माह का वक्त भी चाहती है, क्योंकि एयरलाइंस कंपनी के शेड्यूल के मुताबिक 15 जून के बाद इसकी उड़ान नियमित होगी। ट्रायल की उड़ान के लिए विमान कंपनी को एयरपोर्ट प्रबंधन से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए विमान कंपनी के प्रतिनिधि और एयरपोर्ट प्रबंधन के बीच बैठक होगी।